हेलो गाइस, दिस कुशाल। वेलकम टू कुशाल का सेटअप फॉर इंटरनेट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th में ज्योग्राफी एंड साइंस का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर ऑफ द इंडिया, इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में। सो ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 ज्योग्राफी एंड साइंस का चैप्टर 2 है। सो हम चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस करा था, चैप्टर फर्स्ट में इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। सो इंडिया साइज के बारे में पढ़ा था, लोकेशन के बारे में, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया के नेबर्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया, इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में। सो अब इंडिया में देखिए, अलग अलग टाइप्स की रॉक्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स की रॉक्स होती हैं, जैसे मार्बल। हार्ड रॉक्स की बात करें तो मार्बल है, जिससे ताजमहल बना हुआ है। अब सॉफ्ट रॉक्स की बात करें तो सोप रॉक, सॉप स्टोन है, सोप स्टोन से सॉप स्टोन है, ठीक है। अब ये जो होते हैं जितने भी, अब ये जो रॉक्स होती हैं इनकी भी क्या होती है, प्लेस होती है, जो क्या करती है, इनकी मूवमेंट करती रहती है और उनसे अलग अलग तरीके की बाउंड्रीज बनती है। आप देखिए कैसे कैसे बाउंड्रीज बनती है प्लेट से। अब यहाँ देखिए प्लेट से कैसे कैसे बाउंड्रीज बनती है। अब मान लिया कि हमने फर्स्ट केस, फर्स्ट यानी कि हमने केस वन, केस वन में क्या दे रखा है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट है ये। सो ये ऐसे एरो, ये ऐसे एरो, क्योंकि क्या कर रही है, ये जो मूवमेंट कर रही है अपोजिट मूवमेंट कर रही है, एक दूसरे का अपोजिट मूवमेंट कर रही है। मतलब कि एक जा रही है ऊपर तो एक जा रही है नीचे, एक जा रही है नीचे तो एक जा रही है ऊपर, ऐसे अपोजिट मूवमेंट चल रहा है। तो इस मूवमेंट से कौन सी बाउंड्री बनती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। अब केस टू, केस टू की बात करें हम, केस टू में क्या देखा है हमें, केस टू में जो प्लेट्स होती हैं, ये है प्लेट्स, मान लिया एक ये है प्लेट। अब प्लेट्स क्या जो होती हैं, बिछड़ती हैं, इसमें क्या होती हैं, बिछड़ती हैं, यानी कि दूर जाती हैं एक दूसरे से। मान लिया एक प्लेट ये है तो ये जा रही है इधर, ये इधर जा रही है। सो इस मूवमेंट से, अब चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिया कि ये दोनों ही, चलिए एग्जाम्पल तीनों, जब तीनों केस हमें पता चल जाएंगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। सो आप देखिए कि यहाँ पे ये कौन सी, इस जो ये जो मूवमेंट हुआ है, ये जो मूवमेंट हुआ है इससे कौन सी बाउंड्री बनी है। सो यहाँ देखिए ये प्लेट क्या जा रही है, दूर जा रही है एक दूसरे से। सो यहाँ पे क्या है, डिवरजेंट बाउंड्री, कौन सी, डिवरजेंट बाउंड्री बन रही है, डिवरजेंट बाउंड्री, डिवरजेंट बाउंड्री बन रही है। अब आता है केस थ्री, क्या केस थ्री, केस थ्री में क्या होती है, ये है प्लेट एक, ये है दूसरी प्लेट, ये प्लेट क्या आती है, पास पास में आती है, कैसे पास पास में आती है, इसमें क्या जा रही थी, बिछड़ रही थी, इसमें क्या आती है, दोनों पास में आती है, मिलती हैं। तो इस मूवमेंट से कौन सी बाउंड्री बन रही है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, बाउंड्री कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल जो मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी, यानी कि अपोजिट है, जैसे मान लिया मेरा हैंड है, सो एक जा रही है ऊपर एक जा रही है ऐसे नीचे, सो इससे जो बाउंड्री बन रही होती है, ऐसे प्लेट की जा रही है, प्लेट है तो प्लेट ऐसे हो जाती है ये, सो ये होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब यहाँ पे डिवरजेंट, डिवरजेंट जो है इसमें क्या होती है, जैसे ये तो बिछड़ती है इसमें ऐसे, सो इससे भी क्या बन रही है, बाउंड्री बन रही है, उसे हम कहते हैं डिवरजेंट बाउंड्री। अब कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, सो इसमें क्या आती है, प्लेट पास पास में आती है, ठीक है। सो ये क्या होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है, ये क्लियर रहा। अब इसके बाद यहाँ देखिए जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया के, वो क्या क्या है, फिजिकल फीचर में किस किसी बात की गई है। सो फर्स्ट में द हिमालयन माउंटेन्स, क्या हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन, द नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड है पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर फोर्थ है इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ है हमारा कोस्टल प्लेन, फिर सिक्स्थ है आइसलैंड। सो चलिए इन्हें क्लियर करने के बाद ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं द हिमालयन माउंटेन्स, फर्स्ट में क्या है, हिमालयन माउंटेन में क्या दे रखा है। अब हिमालयन माउंटेन देखते हैं, हिमालयन माउंटेन क्या है, जैसे हमारी मान लीजिए इंडिया, इंडिया बनाते हैं हम, ठीक है, मान लिया हमारी इंडिया बनाया, तो यहाँ पे जो होते हैं
इतने जो रीजन है ये इतना रीजन जो है इसे और ऐसे करके बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। इतना जो रीजन है ये यहाँ पे हमारा, इतने रीजन में क्या होते हैं ये हमारे, इतने रीजन में यहाँ पे हमारे ये हिमालयाज होते हैं, इतने रीजन में हमारे ये हिमालयाज होते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा बन गया है, यहाँ पे ये इतने रीजन में हमारे हिमालयाज होते हैं, क्या होते हैं हिमालय होते हैं इतने रीजन में, ठीक है। अब इतने रीजन में ये पूरे में यहाँ पे हमारे हिमालय माउंटेन रहते हैं, हिमालय माउंटेन। अब हिमालय माउंटेन तो इतने पूरे रीजन में रहता है, कितने किलोमीटर तक, 4000 किलोमीटर, कितना 4000 किलोमीटर तक इतने में पूरे में फैले रहता है। अब सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं, विदित, विदित में कितने होते हैं यहाँ पे, यहाँ होते हैं 400 किलोमीटर के आसपास, यहाँ होते हैं 150 विदित होती है, यहाँ कम होते हैं, ठीक है, यहाँ कम होते हैं, यहाँ हिमालय जम्मू कश्मीर साइड में यहाँ पे ज्यादा होते हैं ये हिमालय माउंटेन्स, ठीक है। अब फिर देखिए कि ये हिमालय माउंटेन्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं। अब देखिए इतने में तो अब यहाँ पे क्या होती है, हिमालय माउंटेन्स की थ्री रेंज होती है। फर्स्ट रेंज होती है ये, सेकेंड ये होती है, थर्ड होती है ये। अब ये जो तीन रेंज आ रही है, अब यहाँ पे ये क्या माउंटेन बना देता हूँ मैं, अभी जो थर्ड तीनों रेंज है, सो फर्स्ट वाली का नाम क्या है यहाँ पे, जो फर्स्ट वाली रेंज जो है इसका नाम है हिमाद्री, क्या हिमाद्री, हिमाद्री। और जो सेकंड वाली है इसका नाम क्या है, हिमाचल, हिमाचल। और ये थर्ड वाली जो है, थर्ड वाले का नाम है शिवालिक, शिवालिक, क्या नाम है, शिवालिक, ठीक है, ओके, ये क्लियर हुआ। अब इसमें हिमाद्री में हम क्या पढ़ेंगे, हिमाद्री सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमाद्री के बारे में, हिमाद्री में क्या दे रखा है हमें, हिमाद्री के बारे में हमें क्या दे रखा है, हिमाद्री में जो होती है ये क्या है, ये ग्रेट हिमालयंस भी कहते हैं इन्हें, ग्रेट और इनर हिमालयंस कहते हैं, इनर यानी कि सबसे अंदर, इनर ग्रेट, ग्रेट यानी कि सबसे बड़े होते हैं, और ये इनर, इनर हिमालयंस भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। अब ऐसे कितने ग्रेट होते हैं, ये होते हैं हमारे 6000 किलोमीटर के अराउंड, ये हमारे होते हैं 6000 किलोमीटर के अराउंड होते हैं। अब 6000 किलोमीटर के अराउंड तो होते हैं, अब 6000 किलोमीटर यानी कि अब होते कौन कौन से हैं, जैसे हिमालय में कौन कौन से माउंटेन आते हैं, जैसे हमारा आता है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये ऐसे ऐसे माउंटेन्स आते हैं। अब आप देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट के कितने होते हैं, माउंट एवरेस्ट होता है हमारा 8846 मीटर्स, 8000, वो 8400, 8846 किलोमीटर। और जो कंचनजंगा है हमारी, कंचनजंगा कितनी होती है, 8568 मीटर्स के ऐसे ही कुछ आसपास होती है, ठीक है, कंचनजंगा। अब जो मैंने हिमाद्री बताई थी, हिमाद्री की कितनी, कितने होते हैं हिमाद्री, 6000 मीटर्स, सिक्स, मैंने पहले किलोमीटर बताया था, किलोमीटर नहीं, 6000 मीटर के लॉन्ग होते हैं ये, अराउंड होते हैं ना, अराउंड बताया था, तो कितना आ गया माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, 8000 आ गए, तो अराउंड में क्या आ गया, 8000 भी आ गया। अब ये क्लियर हो गया आपको हिमाद्री में। अब ये तो ये हमने हिमाद्री में पढ़ लिया, अब आता है हिमाचल, हिमाचल क्या होता है, हिमाचल में आप देखिए, हिमाचल में आप, हम बात करते हैं हिमाचल की, तो हिमाचल में क्या होता है, यहाँ पे हिमाचल को हमें कहा जाता है लेजर हिमालय, लेजर हिमालय भी कहा जाता है, क्या लेजर हिमालय, लेजर हिमालय भी कहा जाता है हमें, ठीक है। अब ये जो ये कितने मीटर्स के होते हैं, ये होते हैं 3700 किलोमीटर टू 4500 मीटर्स तक के होते हैं, 3700 मीटर टू 4500 मीटर्स तक के ये होते हैं, कौन हिमाचल। अब हिमाचल की विदित कितनी होती है, विदित लेंथ तो हमने पढ़ ली, विदित कितनी होती है, ये होती है 50 किलोमीटर की, सॉरी, ठीक है, 50 किलोमीटर की ये होती है, ओके, क्लियर हुआ, 50 किलोमीटर नहीं, सॉरी सॉरी, 50 किलोमीटर नहीं, 50 मीटर्स की होती है। अब ये हिमाचल हो गया, 50 मीटर्स की विदित और लेंथ भी बता चुका हूँ मैं कितना है ना। अब हिमाचल ये क्लियर हुआ, अब आता है शिवालिक,
शिवालिक के बारे में क्या दे रखा है? शिवालिक क्या है? ये हमारी आउटर मोस्ट रेंज होती है किसकी? हिमालयन की, हिमालयन की, हिमालयन माउंटेन के आउटर मोस्ट ये रेंज होती है। आउटर मोस्ट रेंज कैसे? जैसे ये देखिए, ये कहती है ये तो ये मिडिल रेंज थी हिमाचल, और ये आउटर मोस्ट क्योंकि ये सबसे बाहर की सबसे लास्ट रेंज है ना, ये देखिए सबसे लास्ट रेंज है, ठीक है, राइट, क्लियर हो गया। सो ये क्या होता है? शिवालिक। अब शिवालिक कितने मीटर की होती है? ये होती है 900 to 1100 मीटर की होती है। ये सबसे छोटी यही माउंटेन्स होते हैं, यही शिवालिक माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। अब इनकी विड्थ कितनी होती है? 10 to 50 मीटर्स। कितने? 10 to 50 मीटर्स की इनकी विड्थ होती है, ठीक है। अब ये तो तीन थ्री रेंज हमने पढ़ ली, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ये किसकी थी? हिमालयन माउंटेन्स की। सो द हिमालयन माउंटेन, हमारा हिमालयन माउंटेन जो फर्स्ट फिजिकल फीचर था वो क्लियर हो गया हमारा। अब आता है नॉर्दर्न प्लेन, द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन आता है इसके बाद हमारा नॉर्दर्न प्लेन। अब यहाँ पे जो हमारा ये तो हमारा ये हिमाद्री, अब ये हम नीचे हटा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, जो ये क्या होते हैं इतने रीजन में, अब यहाँ पे इतने में, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं इतने, ये सब वो होते हैं हमारे यहाँ पे क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं यहाँ पे हमारे। अब नॉर्दर्न प्लेन्स होते क्या है? पहले तो प्लेन जान लेते हैं, प्लेन क्या होते हैं, चिली देखते हैं पहले। अब जैसे कि नॉर्मल लैंड है, मान लिया हमने नॉर्मल लैंड, नॉर्मल लैंड क्या होता है? एकदम नॉर्मल ही होता है, ठीक है। अब प्लेन कितने ऊंचे उठे हुए होते हैं? इनसे 100 या 200 मीटर तक उठे होते हैं, 300 ज्यादा से ज्यादा 300 मीटर तक उठे हुए होते हैं, 300 मीटर तक बस इतने ही उठे हुए होते हैं लैंड से, ठीक है, नॉर्मल लैंड से, ठीक है, ये हो गया। तो अब नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन यानी कि जो नॉर्थ में जो प्लेन होते हैं, अब नॉर्थ में प्लेन है ना, इतने इतने पार्ट में मतलब होते हैं, है ना, इतने पार्ट में होते हैं वो, यहाँ पे इतने पार्ट में होते हैं, ठीक है, इतने पार्ट में, ये क्या है नॉर्थ में, बस इतने से पार्ट में होते हैं। अब देखिए क्या क्या होते हैं नॉर्दर्न प्लेन में, नॉर्दर्न प्लेन की कितनी रेंज होती है? नॉर्दर्न प्लेन की 4 रेंज है। अब यहाँ देखिए ये है, ठीक है, यहाँ पे ये 4 रेंज है। चलिए अभी इसे सही से बना लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जब शिवालिक खत्म हुई तो शिवालिक के बाद आता है ये हमारा, शिवालिक के बाद आता है हमारा भांगर। क्या होता है? भांदर, 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 फिर तेरई, ये क्या है? भांदर, 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 और ये क्या है हमारा? तेरई, तेरई, ठीक है, भांदर के बाद तेरई, तेरई के बाद यहाँ पे हमारा भांगर, क्या भांगर, वो क्या था? भांदर, ये क्या है? भांगर। अब ये जो है हमारे सबसे लास्ट वाली जो रेंज है जिसे हम कहते हैं खांदर, खांदर, देखिए कैसे कैसे नाम है, भांदर, तेराई, भांगर, खांदर, ये तीन नाम तो बिल्कुल सेम ही है। अब ये हमारी ये होते हैं हमारे भांदर, तेराई, भांगर और खांदर, ये क्या होती है? नॉर्दर्न प्लेन्स, ये सब क्या है? प्लेन्स है, ये क्या थे? माउंटेन थे, ये क्या है? सब प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है। अब इनके बाद जो शिवालिक के बाद जो रेंज आती है वो यही है, शिवालिक के बाद क्या है? भांदर, भांदर के बाद क्या आती है हमारी? तेराई, तेरई आती है, तेरई के बाद हमारा आता है भांगर, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में आता है हमारा खांदर। सो ये नॉर्दर्न प्लेन में इतनी बात हो गई हमारी। अब ये जो प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन जो होता है ये कितना लॉन्ग, कितने होते हैं ये लॉन्ग, कितना होता है? इतने से इतने पार्ट में होता है तो लॉन्ग कितना होता है? 2400 किलोमीटर। कितना? 2400 किलोमीटर। इनका बोल्ड एरिया कितना होता है? बोल्ड एरिया 240 किलोमीटर टू 240 किलोमीटर टू 390 किलोमीटर के आसपास ये होता है, ठीक है। अब द नॉर्दर्न प्लेन समझ में आया, अब आता है द पेनिनसुलर प्लेटू। क्या आता है इसके बाद हमारा? पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू, देखते हैं पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है। चलिए पेनिनसुलर प्लेटू में देखते हैं क्या होता है पेनिनसुलर प्लेटू। अब यहाँ पे देखिए हमारा पेनिनसुलर प्लेटू में क्या होता है कि ये प्लेट्यूज है। अब प्लेट्यूज की बात करते हैं। सो पहले तो सबसे पहले हमने माउंटेन था, माउंटेन की बात कर ली, अब फिर प्लेन की बात करी, अब आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्लेट्यू पर। पहले तो प्लेट्यू समझते हैं, क्या नॉर्मल प्लेन है, यहाँ पे होता है ये इतने उठे हुए होते हैं, यहाँ पे क्या था ये लैंड इतना था, माउंटेन क्या थे इतने इतने ऊंचे होते हैं, ठीक है। अब इतना ये उठे हुए होते हैं लैंड से,
यानी कि कितने मीटर्स तक, ये मान लिए कि हमने 3000 किलोमीटर या 2000 किलो ओ सॉरी मीटर्स मीटर्स तक उठे हो जाते हैं, मान लिया 3000, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 3000 मीटर्स तक उठे हो जाते हैं बस। और इन्हें हमें टेबल टॉप लैंड भी कहा जाता है। अभी जो पेनिनसुला प्लेटू होते कौन कहाँ तक है, ये जो इतना जो ये रीजन है इतना यहाँ पे ये जो इतना रीजन है ये सब इतने रीजन में यहाँ पे क्या होता है हमारे ये पेनिनसुला प्लेटू होते हैं, क्योंकि पेनिनसुला प्लेटू पेनिनसुला यानी कि जो वाटर्स में जो यहाँ पे हमारे प्लेट्यूज होते हैं वो पेनिनसुला प्लेटू। ये क्या हो गया पेनिनसुला प्लेटू, ये वाटर में है ना पेनिनसुला प्लेटू ठीक है, और ये जो होता है ये भी हमारा टेबल टॉप लैंड ही है। अब जो प्लेट्यूज होते हैं, अब ये जो प्लेट्यूज होते हैं देखिए, मान लिया कि ये जो प्लेट्यू है, ये जो प्लेट्यू है प्लेट्यू होते हैं उनके यहाँ पे क्या होता है तीनों साइड यहाँ पे वाटर होता है, यहाँ वाटर क्या होता है यहाँ पे वाटर, यहाँ वाटर और यहाँ पे वाटर और यहाँ पे क्या होता है लैंड, यहाँ लैंड होता है। सो इसी के साथ साथ हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू भी ऐसा है, यहाँ पे ही वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ पे ही वाटर है ठीक है, यहाँ पे भी वाटर है ठीक है। सो हमारा ये क्या है पेनिनसुला प्लेट्यू क्या हो गया, इसी के साथ ये हमारा प्लेट्यू भी माना गया है ठीक है। अब इसके जो होते हैं यहाँ पे जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, यहाँ पे क्या होता है पेनिनसुला प्लेट्यू में जो पेनिनसुला प्लेट्यू में यहाँ पे प्लेट्यू होता है डेक्कन प्लेट्यू, क्या डेक्कन प्लेट्यू प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू होता है। अब यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू जो होता है उसकी वेस्ट में जो होता है यहाँ पे वेस्ट में वेस्टर्न घाट होती है, वेस्टर्न घाट और यहाँ पे होती है यहाँ ईस्टर्न घाट होती है, ईस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट होती है ठीक है। अब जो वेस्टर्न घाट होती है, वेस्टर्न घाट क्या होती है ऊंची होती है, वेस्टर्न घाट क्या होती है ऊंची ऊंची होती है किससे ईस्टर्न घाट से, ईस्टर्न घाट क्या होती है नीचे नीचे होती है ठीक है, ईस्टर्न घाट क्या होती है छोटी होती है और ये ऊंची होती है किससे, किससे ऊंची होती है ये वेस्ट ईस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट ऊंची होती है ठीक है। अब ये कितनी होती है इसे वेस्टर्न घाट जो होती है, वेस्टर्न घाट हमारी होती है यहाँ पे वेस्टर्न घाट होती है 900 मीटर टू 160 मीटर तक की होती है ये, और जो हमारा ये ईस्टर्न घाट होती है 600 मीटर के अराउंड होता है ठीक है। अब ये इतना समझ में आ गया पेनिनसुला प्लेट्यू, पेनिनसुला प्लेट्यू क्लियर हुआ। अब ये रफ कर देते हैं, ये इतना रफ कर दिया हमने, यहाँ से भी ये रफ कर दिया ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा द इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट की बात कर रही है तो हमें फिर से कहाँ जाना पड़ता है लैंड पर, लैंड पर कहाँ यहाँ राजस्थान वाले एरिया में, यहाँ पे ये राजस्थान वाला जो एरिया है ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट क्या है पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट है इंडियन डेजर्ट ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है, तो यहाँ पे जो इंडियन डेजर्ट है जब सबसे बड़ा डेजर्ट है तो यहाँ पे भी सबसे कम ही बारिश होती है। सो अब कितनी बारिश होती है यहाँ पे 150 mm की बारिश होती है लगभग ठीक है, 150 mm के लगभग बारिश होती है यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे 150 mm के लगभग बारिश होती है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रिवर पाई जाती है, उस रिवर का नाम नहीं पता मुझे, तो एक ही रिवर पाई जाती है बस यहाँ पूरे इतने बड़े इंडियन डेजर्ट में एक ही रिवर है सिर्फ। और यहाँ पे बारिश तो मैंने आपको बताई दिया कितनी कम होती है, ये बारिश कब होती है पर ईयर, ईयर में इतनी इतनी बारिश होती है सिर्फ यहाँ पे ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये होता है ये हमारा क्या इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट की बात, इंडियन डेजर्ट समझ में आ गया, इंडियन डेजर्ट की बात खत्म। अब आता है द कोस्टल, कोस्टल प्लेन, द कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन क्या होता है, अब यहाँ देखिए कोस्टल प्लेन क्या होता है, कोस्टल प्लेन में क्या यानी कि प्लेन्स, प्लेन्स तो मैंने समझाई दिया था, नॉर्दर्न प्लेन में प्लेन समझा दिया, कोस्टल प्लेन क्या, कोस्टल प्लेन मतलब कि जो इतने एरियाज में जो प्लेन होते हैं, इतने एरियाज में वाटर वाले एरिया में जो प्लेन होते हैं ये उन्हीं को कहा जाता है क्या कोस्टल प्लेन्स ठीक है। अब इतने एरिया में जो प्लेन होते हैं कोस्टल प्लेन, अब यहाँ पे देखिए यहाँ इतने एरिया में ही प्लेट्यू होते हैं, इतने एरिया में ही क्या होते हैं यहाँ पे प्लेन होते हैं, प्लेन क्या बस सिर्फ माउंटेन के होते हैं, इतने एरिया में ही
यहाँ पे आपको माउंटेन एक बस इतने एरिया में देखने को मिलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक क्या पूरे में प्लेन होता है, यहाँ पे प्लेन और प्लेन होता है, यहाँ पे इतना प्लेन होता है, और यहाँ पे क्या होता है इतने एरिया में प्लेटिंग भी होता है, इतने में सिर्फ वाटर वाले एरिया में, और ये लैंड वाले एरिया में भी होता है प्लेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोस्टल प्लेन होते हैं। अब कोस्टल प्लेन के जो वेस्ट की साइड जो होता है उसे हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट, और इधर की साइड जो होता है ईस्टर्न में उसे कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हुआ, इसके बाद आता है अब हमारा, इसके बाद आता है लास्ट, लास्ट आता है हमारा द आइसलैंड। आइसलैंड, आइसलैंड यानी कि टापू जो होता है। अब आप ओशियंस में जाते हैं, ओशियंस में देखते होंगे कि आप दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता, बस एक आइसलैंड दिखाई देता है ना, आइसलैंड दिखाई देता है ना, सिर्फ एक आइसलैंड, सो वो ही होता है हमारा आइसलैंड। अब हमारे इंडिया में कितना आइसलैंड है, हमारे इंडिया में आइसलैंड है लक्षद्वीप आइसलैंड, लक्षद्वीप आइसलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड हमारे यहाँ पर इंडिया में है, लक्षद्वीप आइसलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। सो ये क्लियर हुआ। सो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में हमने पढ़ा। सो अब आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में कितनी चीजें हैं, हिमालयस, प्लेट्यूज, प्लेन, सो हमारे हमें कहीं और घूमने की जरूरत ही नहीं है, हमने पूरा इंडिया घूम लिया, तो हमें पता चल गया कि हिमालयस कैसे क्या है, प्लेट्यूज कहाँ, प्लेट्यूज कैसे होते हैं, सो हमें सब चीज़ पता चल जाएगी, पता चल जाएगी। सो हमारे इंडिया में ही ये सब इतनी चीज़ें हैं हमारे घूमने की। सो इंडिया में यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, हमारा इंडिया, सो इसके साथ साथ ये हमने फिजिकल फीचर पढ़ लिया हमारे इंडिया के। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यस बाय।